हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आप सभी ने बहुत ज्यादा कमेंट किया और मुझे कोचिंग में बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया गया कि सर ऑब्जेक्टिव तो अच्छा हो रहा है, सब्जेक्टिव याद नहीं हो रहा। मैंने देखा, मैंने टेस्ट लिया अपने कोचिंग में, बहुत सारे बच्चे ने क्लास 10 12th में ऑब्जेक्टिव बहुत बेहतरीन है, ऑब्जेक्टिव में इतना अच्छा वो कर ले रहे स्कोरिंग की बट्टे, मतलब आउट ऑफ नंबर ला रहे, कोई इसमें दिक्कत नहीं, बट्टे में बट्टे ला रहे। लेकिन बाद जब सब्जेक्टिव का मैंने टेस्ट लिया और अभी तो इसमें टाइटल दिया हुआ है 20 दिनों में सब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें, आज का हमारा जो टॉपिक है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ 20 दिन आपके पास है नहीं, 12th वाले के पास 10 दिन बचा, ठीक है, और 10th वाले के पास जो है सिर्फ मात्र 15 दिन बचा। और आपके पास अभी समय, आप गेम चेंज कर सकते हो, आप बेस्ट कर सकते हो। आज 19 तारीख हो गई है, आपके पास बहुत ही कम समय बचे हैं, 20 दिन मत मानिए। लेकिन मैंने हेडलाइन दे दिया, लेकिन आप ये नहीं सोचे, आप सोचे मेरे पास 10 दिन एक सप्ताह बचा हुआ है। पहले मैं बात बता देना चाहता हूँ आपको, सब्जेक्टिव क्यों नहीं याद होता। मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, ये रूरल एरियाज है, बच्चे लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, तो 8 तक जो है वो सीरियस नहीं रहता है पढ़ाई के प्रति। 8 तक बस 2-3 मैथ बना लिया, LCM वगैरह, और उसके बाद जो है 2-3 ट्रांसलेशन बना लिया, बस यही तो पढ़ाई। जब 9th में आता है तो सीरियस होता है, वो भी सीरियस नहीं, वहां पे भी ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं। जब वो 6 महीना वक्त रहता है ना, 3 महीना वक्त रहता है, तो वो जी जान लगा देते हैं, तब वो सीरियस होकर याद करते हैं, याद क्या करना है, रटने लगते हैं। तो मैं उन सभी स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ, अगर आप जितना अभी 4-5 घंटा पढ़ रहे हैं, पहले अगर पढ़ाई किया रहता करते आप लोग, तो क्या अभी आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते थे? हर एक बच्चा बिहार बोर्ड में कर सकता था, वो फर्स्ट डिविजन में, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत सारे गांव के बच्चे भी टॉप कर रहे हैं और आप भी कर सकते थे, लेकिन आपने उस समय ध्यान नहीं दिया। बस अब थोड़े से दिन बचे हुए हैं, इसमें आप रात दिन कर रहे हैं। मेरी बात समझिए, आप आराम से कर सकते हैं। मैं इसमें हैक्स बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, आप बिना कोई मतलब हेजिटेशन के आप अच्छा कर सकते हैं। सब्जेक्टिव कैसे याद करें, मैंने टेस्ट लिया अपने बच्चों को, कोचिंग में लिया, तो सब्जेक्टिव लिखते कैसे हैं इसमें मैं बहुत जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। कॉपी में कैसे लिखते हैं बहुत जल्दी, हो सकता है 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन बहुत बच्चे जो है सब्जेक्टिव नहीं कर पा रहे, सब्जेक्टिव लिख नहीं पा रहे हैं। बहुत बच्चे कह रहे हैं सर याद नहीं होता, याद करते हैं भूल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये मैं हैक्स बता रहा हूँ, ट्रिक्स बता रहा हूँ, आप अपने दिमाग में लोड ले लो। आप अपने विद्यार्थियों को, अपने दोस्तों को, माँ बाप अगर देख रहे हैं, अपने बच्चों को जरूर वीडियो दिखाइए और शेयर कीजिए। एक शेयर से काफी चेंजिंग हो सकता है। वो अगर एक बच्चा आपका फर्स्ट डिविजन आता है, उसके ऊपर जिंदगी भर लग जाएगा कि उसने 10th में फर्स्ट किया, उसके पास हौसला आएगा, तो वो जो है 12th में भी जो है साइंस लेगा या कुछ अच्छे स्ट्रीम में। नहीं तो बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि 10th के बाद अगर कम नंबर आया या फेल हो गए तो पढ़ाई करना ही छोड़ देते हैं। इसकी वजह यह है कि वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनके अंदर वो उत्साहित खत्म हो जाती है। तो आप अगर देख रहे हैं, अपने दोस्तों को शेयर करें, माँ बाप देख रहे हैं, बच्चों की वीडियो दिखाइए और उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं, सबसे पहले 20 दिनों में सब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें, एकदम इजी है। 20 दिन वक्त नहीं बचा, मेरे ख्याल से 10 दिन कहा जाए इसको। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपका मेन होता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के आपका कितने मार्क्स का आता है लगभग बच्चों, 100 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 100 मार्क्स का आता है कि नहीं आता है? तो इसमें आपके सब्जेक्टिव में दो तरह के एग्जाम होते हैं, एक लघु उत्तरीय जिसे हम गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कह सकते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर रहता है, ये 2 अंक का होता है, 2 मार्क्स का होता है। एक होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसे हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कहते हैं, ये 5 नंबरिया होता है, इसे 5 अंक का कहा जाए, या 4 अंक का भी होता है। आप ये नहीं सोचिएगा कि सर 5 अंक लिख दिए तो 4 अंक का भी होता है कोई कोई क्वेश्चन, ठीक है। साइंस में आप देख सकते हैं कोई 6 नंबर का भी होता है, ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर 2 नंबर का, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर जो है टाइप क्वेश्चन आंसर वो 5 अंक का होता है। आपको दोनों स्कोर करना है। ये देखो, हम लोग के समय में जब हम लोग मैट्रिक करते थे तो उस समय हमारे पास चॉइस नहीं रहता था, इतने क्वेश्चन है इतना आपको बनाना है। अभी क्या आपके पास 10 क्वेश्चन दिया, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर लघु उत्तरीय है। देखिए एक बात और आपको बता दूं, लघु माने होता है छोटा, दीर्घ माने होता है बड़ा। लघु माने 2 नंबरिया, दीर्घ माने 5 नंबरिया, याद हो गया। तो हम लोग के समय में क्या था, चॉइस नहीं होता था, इतना है 10 ऑब्जेक्टिव बनाते थे और 90 नंबर का सब्जेक्टिव लिखना पड़ता था। आप लोग के समय में क्या है, 100 ऑब्जेक्टिव है, 100 में 50 मानना, कितना बेनिफिट मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं? ऑप्शन आपके पास है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ऑप्शन उस समय नहीं था, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव में अगर 10 क्वेश्चन है, 10 में से आपको जो आसान लगता है वो बना लीजिए, 5 को सब्जेक्टिव में है, आपको 5 दिया, 5 में से 2 को बना लीजिए, आपको 3 को बना लीजिए, आपको 6 को में से 3 को बना लीजिए, आपके पास ऑप्शन है। तो बस आपको जो अच्छा लगे वही बनाना है, जो नहीं आ रहा आपको याद नहीं है। ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए ग्रामर आप बना रहे हैं, हिंदी व्याकरण बना रहे हैं, संस्कृत व्याकरण बना रहे हैं, उर्दू ग्रामर बना रहे हैं, या ऑब्जेक्टिव की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो उसमें आप क्या करिए, जो आपको हार्ड लगता है उसको छोड़ दीजिए। बहुत बच्चे गलती करते हैं ना, 1 से 50 तक सम मार देते हैं, वो गलती नहीं करना। अब बात हम सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पे बात हो ही चुकी है। तो आप देखिए, आपको ये करना है सब्जेक्टिव याद करने के लिए, जो बड़े बड़े होते हैं 2 नंबर के, 5 नंबर के, कैसे याद की जाए मैं सबसे आपको बता दूं कि सब्जेक्टिव याद करने के सबसे पहले पॉइंट होते हैं कि आपको महत्वपूर्ण चीज याद करना है।
जो महत्वपूर्ण जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है अभी 10 दिन पहले आपको वही याद करना है। आपके पास जो समय बचा है ना, जो इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से आपके लिए महत्वपूर्ण है सब्जेक्टिव में, तो PYQS माने क्वेश्चन बैंक का आपको शॉर्ट और प्लस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पढ़ लेना है। PYQS कम से कम कितने साल होगा? अभी मेरे ख्याल से आपको पढ़ना चाहिए 19, 20, 21। इतने सालों का अगर आप पढ़ लिए ऑटोमेटिक 22 बन जाएगा, ऑटोमेटिक 23 बन जाएगा। तो महत्वपूर्ण क्या है आपको PYQS क्वेश्चन बैंक पढ़ना है 19, 20, 21। और ये वीडियो खासकर हो रहा है BSEB बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपको पढ़ना है, आपको मुंह से पढ़ना है। या 3 तरीकों से होता है, देखकर, बोलकर, सुनकर। देखकर, बोलकर, सुनकर, या कितने तरीकों से होता है? 3 तरीकों से, बोल देखकर सॉरी और बोलकर और सुनकर, ये 3 तरीके होते हैं। और आप ध्यान नहीं देते हो, पढ़ो ये नहीं किताब लिया सिर्फ देखे जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी होगा पढ़ाई, ऐसे थोड़ी याद होगा, ऐसे थोड़ी बड़े बड़े एग्जाम निकालोगे। अब तीसरा नंबर है, लिखो। आपको एग्जाम में सुना नहीं जाएगा, आपसे कुछ लिखा लिखा हुआ देखा जाएगा, आपसे वहां देखिएगा ये बच्चा लिख लिया, अच्छा बढ़िया लिखा, ये थोड़ी कि कितना अच्छा बोलता है, कितना अच्छी इसकी आवाज है, नहीं। राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10 एंड 12। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके अंदर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है आपको वहां पूछा नहीं जाएगा, मुंह से सुना नहीं जाएगा, ओरल नहीं होगा। ओरल वाइवा आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में हो चुका है, आपके बस वहां पे जो होगा थ्योरेटिकल एग्जाम में, वहां लिखित रूप से देखा जाएगा, राइटिंग देखा जाएगा आपको, किस स्टेप से लिखा, किस तरीके से लिखा, किस पैराग्राफ को लिखा, कहां पे फुल स्टॉप दिया, कहां पे क्वेश्चन मार्क दिया, ये काफी जरूरी है। बहुत बच्चे पता है मात्रा गलती कर देते हैं, शुरू शुरू में ध्यान नहीं दिया ना, मात्रा गलती कर देते, इस वजह से उनका अच्छा नंबर नहीं आता है, ठीक है। तो लिखना बहुत जरूरी है। सब्जेक्टिव में मेन पार्ट याद कैसे करना आपको, तो उसके लिए क्या करना है, पहले आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि राइटिंग डेली सेट करना है, चाहे वो PYQS हो, क्वेश्चन बैंक हो, या आपका मॉडल पेपर हो। नेट वाला मॉडल पेपर ले लिया हमने अपने कोचिंग में, दे दिया सारे बच्चों को, तो PYQS और मॉडल पेपर बहुत जरूरी है। और दीर्घ का आप अपने से नोट्स बनाए, मान लीजिए आप पढ़ रहे हो खूनी रविवार, क्या पढ़ रहे हो, या जलियांवाला बाग हत्याकांड, मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपको पहले समझना है, हुआ क्या था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था और कब से हुआ था, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसमें किसने गोली चलाई, उसमें फिर लोग कितने सारे लोग मारे गए, खूनी रविवार की बात की जाए तो उसमें खूनी रविवार क्यों कहा जाता है, वो रविवार क्यों उस दिन खून नहीं रविवार कहा जाता है, या लाल रविवार क्यों कहा जाता है, उस दिन अगर कितने लोगों को गोली मारी गई या क्या था, तो आपको बढ़िया से पढ़ना है उसको। 1 से 1.5 पेज का रहता है, 5 नंबरिया, कम से कम आपको 100 शब्दों में लिखना होगा, ठीक है। तो आप जरूरी नहीं कि सारा याद कर लेंगे, है ना, आपको बहुत सारे सब्जेक्टिव याद करना है कि नहीं याद करना है। PYQS 3 साल में अगर पूछा जाए, 3 साल में अगर मिला दिया जाए तो लगभग लगभग 30-30 जोड़ लीजिए, आपको कम से कम 90 को सब्जेक्टिव याद करना होगा, याद करना हो ना आपको हर एक विषय का मिला के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना खुद का नोट्स बनाना है, खुद का नोट्स बनाना है, खुद का नोट्स बनाइए, नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, खुद का नोट्स बनाए। और उसके बाद अब आता है PYQS मॉडल पेपर बनाइए। आइए आप इंपॉर्टेंट हैक्स लेकर आते हैं। सबसे पहला आपको क्वेश्चन को रटे नहीं समझे, सबसे पहले बात ध्यान रखिए, अगर सब्जेक्टिव याद करना है तो आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझना है। बिहार बोर्ड के बच्चे यही काम करते हैं, किताब ले लिया अंधुना पढ़ने जाते हैं, ऐसे पढ़ते पढ़ते नहीं होगा रिजल्ट आपका। सबसे पहले क्वेश्चन को रटे नहीं समझे, खूनी रविवार, अच्छा रविवार के दिन क्या हुआ था, कहानी है पढ़ लिया है ना, ओम का नियम पढ़ रहे हैं, या आपको पूछ दिया ट्रांसमीटर के बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में, साइंस में मैथ दे दिया आपको प्रूफ दैट करने के लिए, तो आप उसको पहले समझिए उसमें कौन सा फॉर्मूला लगा, कौन सी मतलब फिगर बनेगी साइंस में, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। इस दूसरा नंबर आंसर को रटे नहीं समझे, पहले क्वेश्चन को समझिए बोल क्या रहा है, ठीक है। बहुत बच्चा क्वेश्चन नहीं सिर्फ आंसर रटता है बिहार बोर्ड में, और वहां जाके जो मन सो लिख के आता है और उसको पासिंग मार्क्स दे दिया जाता है। प्यारे बच्चों कम जानकारी जो होता है वो बेकार होता है, कोई काम का नहीं होता, अधिक जानकारी लो तब आपको अच्छा लगे। आंसर को रटी नहीं समझे, आंसर आप रटी नहीं, अगर एक बार लिखा ना तो समझो। अगर मैंने बोला कि मार्कर क्या है तो आप कहोगे ये मार्कर नीला है, ये मार्कर से बोर्ड पे लिखा जाता है, ये मार्कर से बहुत सारे बच्चों को शिक्षक को सहायता मिलती है, इस टाइप का आपको कम से कम पढ़ना पड़ेगा। तीसरा नंबर, जो पैराग्राफ आप आसान लगे पहले उसे याद करो, जो भी अच्छा लगे। मान लीजिए मेरा फेवरेट था उस समय में, मैं साइंस जल्दी याद अच्छा लगता था याद करना, मैथ बनाना बहुत अच्छा लगता था। अब बिहार में मैंने अक्सर बच्चों को देखा कि मैथ के पीछे पागल हो जाते हैं और कुछ और सारे सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, संस्कृत नहीं कर पाते फेल हो जाते हैं, उर्दू छोड़ देते हैं फेल हो जाते हैं, कम नंबर लाते हैं। अरे भाई सब में ध्यान देना आपको, ठीक है। चौथा नंबर, जो पॉइंट आसान लगे पहले उसे याद करें, जो अच्छा लगे, जैसे मैंने मैथ मैथ मेरे को अच्छा था बनाओ, है ना, जो पॉइंट आसान लगे पहले उसे याद करना, ठीक है।
पांचवा नंबर, याद करने के तुरंत बाद कम से कम प्रश्न को, उत्तर को, क्वेश्चन को, उत्तर को, क्वेश्चन को, उत्तर को पांच बार पढ़े। कितनी बार पढ़े? पांच बार। और छह नंबर देखिए, सुबह याद करें या जब आप बहुत खुश हो। सब्जेक्टिव तब याद करें जब अच्छा लग रहा हो, आपको खुशी महसूस हो। अब घर में आपका जो परेशान है, आप परेशान है और सब्जेक्टिव याद करें बेकार लगता है कि नहीं? तो आप क्या करें, जब याद सुबह याद करें जब आप बहुत खुश हो। तो ये मैंने हैक्स बताया आपको, ये आपको ट्रिक बताया मैंने, आपको ये बताया कि सर आप सब्जेक्टिव याद करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया। प्यारे बच्चों, प्यारे अभ्यर्थियों, प्यारे गार्जियन लोग, प्यारे पेरेंट्स लोग, आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।